काफी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं रिसर्च में काफी व्यस्त रहता हूँ। मैंने आप सभी को बीज जारण के बारे में बात कही थी, उनका काम अभी भी चालू है। जैसे ही काम पूर्ण हो जाएगा तब मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। जब मैंने इस विषय पे रिसर्च करना शुरू किया तब मैं कई किमियाग्रो और साधु संतों से मिला, उनसे मैंने बात की और उनसे मैंने कई जानकारी हासिल की। उन जानकारी में ऐसे कई फॉर्मूले भी थे जो उन्होंने मुझसे कहे थे, तो सोचा कि आप सबसे वो फॉर्मूले शेयर कर दूं। हालांकि मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैंने ये सभी फॉर्मूले किए नहीं है, मुझे इनकी जरूरत भी कभी नहीं पड़ी। यह मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि मेरा रास्ता कुछ अलग है। खैर, मैं ये सभी फॉर्मूले डाल देता हूं, शायद यह आपके कुछ काम आ जाए। पारद भस्म सफेद गोखरू 3 कांटे वाले लेना है, जितना चाहे उसके ही बराबर शुद्ध पारद लेना है। फिर गोरख के रस में पारद को खरल करना है, जब तक पारद एक जान ना हो जाए। बाद में उसकी भस्म बनानी है, उसके लिए उसमें तुलसी का रस पारद में डाल के हल्का सा खरल करे। बाद में उसको उसी तुलसी के रस में रखकर एक बिकर में डाल दे और मंद मंद अग्नि दे तकरीबन 200 डिग्री और नीम या तुलसी के डंडे से हिलाते रहे। यहां पे ये पारद भस्म बनेगी जो वेधक होगी। फॉर्मूला 2, तिलपनी वनस्पति के रस में शुद्ध पारद को 7 दिन तक खरल करें। बाद में उसकी टिकिया बनाए। बाद में उसको उसकी ही लुगदी में रखकर 2 दिए में बंद करके उसको 300 ग्राम उपलो की आग दे। वाह से आपकी पारद की भस्म निकलेगी जो वेधक होगी। फॉर्मूला नंबर 3, अपामार्ग बीज तोला 2 और एरंड बीज तोला 2, दोनों को खरल करके 2 दिए में आधा उप आधा नीचे रखकर लेप कर दे और बीच में 1 तोला पारद रखकर बंद करके उसको 250 ग्राम उपलो की आग दे दे। वहां से आपकी पारद भस्म निकलेगी। समय के अभाव के कारण आज के लिए बस इतना ही, बाकी के फॉर्मूले अगले वीडियो में दे दूंगा।